हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीएमएसएसवी छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसका एग्जाम 29 सितंबर 2023 को कक्षा 11 के लिए। साइंस का हमारा अगला चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में 19 प्रश्न हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी प्लस अन्य जो बुक से बन सकते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर बिल्कुल प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, चर्म दाह या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। अगर आपने चुना है आंसर सी विटामिन B5, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? यानी जो स्वपोषी जैसे हमारे पौधे हैं, तो उसके लिए देखिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और क्लोरोफिल। तो इसका मतलब यहाँ से आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जड़ में, पत्तियों में, तने में, पुष्प में। लेकिन जो मुख्यतः भोजन का निर्माण होता है वो पत्तियों से होता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका देखिए बी वाला सही होगा। तो यहाँ से आप ऑप्शन बी को चॉइस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत अच्छा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका। तो आपको ये बताना है आखिरकार जब प्रकाश संश्लेषण होता है जो उसकी संतुलित अभिक्रिया है वो यहाँ पर कौन सी है। तो आपको बहुत पढ़ने में टाइम ना लगे, मैं आपको बता दूं, जिससे ये क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन सी है या सी है ऑप्शन सी, सी का यानी 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश यानी प्राणहनिम क्लोरोफिल की उपस्थिति हो, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अगला प्रश्न है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ? तो जो द्वार कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं आपकी रंध्रों में। यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है यानी क्लोरोफिल जो है जो भोजन बनाती हैं पत्तियाँ, तो कौन सी चीज़ ये अवशोषित करता है? तो क्लोरोफिल है ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो यहाँ से ऑप्शन ये देखिए बहुत नया क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा क्योंकि अभी तक कार्य नहीं लिखा रहता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? तो यहाँ पर विषमपोषी यानी जो है मनी प्लांट जो है ये विषमपोषी नहीं माना जाता, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सही कथन को चुनिए। तो यहाँ पर सही कथन को चुनना है। पहला है, विषमपोषी अपने खाने का संश्लेषण नहीं करते, जैसा जो मनी प्लांट है खाने का संश्लेषण नहीं बना पाता, तो ये ठीक इसी प्रकार से ये देखिए विषमपोषी अपना भोजन जो है संश्लेषण नहीं करते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए है, प्रत्येक जबड़े में अग्र चवणकों की संख्या कितनी होती है? तो ये अग्र जो चवणक होते हैं वो 2 जोड़ी पाए जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो जो दूध के दांत होते हैं शुरुआत में ये इनकी संख्या आपको 20, तो इसको आपको याद रखना है, आप 32 मत याद रखिएगा, ठीक। निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है क्या? तो ये टायलिन और लाइसोजाइम ये दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रास नली द्वारा द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थि रचना क्या कहलाती है? तो ये घंटी ढपन कहलाती है, आप इनकी इंग्लिश भी देख सकते हो। अगला है, यकृत स्रावित करता है क्या? तो यकृत जो है वो पित्त रस जो है स्रावित करता है। अगला प्रश्न है, पित्र रस का स्राव होता है, तो पित्र रस का चूंकि वहां पर आप देख चुके हो, तो जो हमारा पित्र होता है वहां पर जो स्राव होता है वो पित्र रस का स्राव होता है, तो ये होता है यकृत में, यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, तो ये है अपचयी
अभिक्रिया। ठीक, तो यहां से ऑप्शन बी को सही कर लेंगे। निम्नलिखित में से अग्न्याशयी रस के संबंध में सत्य है, तो यहां पर कौन सा कथन सत्य है? तो चौथा वाला सही है, ट्रिप्सिन प्रोटीन और तलीकरण तलीकृत वसा को लाइपेज में पचाता है, तो यहां से ऑप्शन डी वाला बच्चों सही होगा। अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। अगला आपके पास प्रश्न है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया क्या है? तो जो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया जो है वो है ग्लाइकोजन, यानी ऑप्शन बी। 19वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे आप लोग देख लीजिए, और इसका कि स्तंभ एक और स्तंभ दो, इससे एक जरूर प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शन पहला वाला सही होगा कि एमाइलेस जो है ये स्टार्च से संबंधित है, जो पित्त आपका लवण है ये आपका लिपिड्स से संबंधित है, जो रेनिन है ये आपका दूध प्रोटीन से संबंधित है, और ऐसे ही जो पेप्सिन है वो एक से प्रोटीन से संबंधित है। तो कुल मिला के आज के ये 19 प्रश्न थे, संभवतः जरूर पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हूँ तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकें और हम आपको एक से एक अच्छे प्रश्नों को आप तक ला सकूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलता हूँ नई